देखो, धातु कर्म भाग 8, उसके अंदर हम जो क्रूड मेटल है, ठीक है ना, अशुद्ध धातु, उसका शोधन हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये अशुद्ध होती है और इसे हम शुद्ध करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम वन बाय वन विधियां देखेंगे। तो विधियां कौन कौन सी है, देखो, शुद्ध करने की, अशुद्ध से शुद्ध करने की विधियां देखो कौन कौन सी है। आसवन, द्रवीकरण, दंड विलोडक, फिर वैद्युत अपघटनी शोधन, फिर उसके बाद है क्षेत्र परिशोधन, उसके बाद है वाष्प प्रावस्था परिष्करण। ये दो तरह से पढ़ेंगे। पहला है इसमें मोंड प्रक्रम और दूसरा है इसमें वॉन अर्कल वेन अर्कल विधि। तो ये शुद्धिकरण की, अशुद्ध धातु से शुद्ध करने की ये इतनी विधियां हैं। ठीक है, ये वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले आसवन। आसवन में जिनका कथनांक कम होता है, जिन धातुओं का, ठीक है ना, उन धातुओं को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, जिनके अंदर अवाष्पशील अशुद्धियां हैं, जैसे जिंक, पारा आदि के अंदर अशुद्ध धातुओं का शोधन कराने हेतु पहले वाष्पन कराया जाता है, इसके पश्चात ठंडा करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, कम क्वथनांक होना चाहिए। ठीक है, वो धातुएं जो हैं वो शुद्ध की जाती हैं इसके अंदर। फिर है द्रवीकरण। द्रवीकरण के अंदर भी कम गलनांक होना चाहिए, है ना, उसमें कम क्वथनांक था, इसमें कम गलनांक होना चाहिए। फिर इसमें गलनांक कम होना चाहिए। कम गलनांक वाली धातुएं कौन कौन सी हैं, जैसे टिन हुई, लेड हुई, ठीक है, बिस्मत हुई, इन सब का शोधन इसमें करवाते हैं। इसमें करते क्या है कि इसमें जो द्रवीकरण के अंदर इस तरह से भट्टी होती है, ठीक है, परावर्तनी भट्टी, आप सभी को पता है इस तरह से, यूं यूं बनी होती है, यहाँ धातु रख देते हैं। ठीक है, ये ढलान के ऊपर, और यहां से गर्म करते हैं इसको, तो क्या होगा कि धातु जो है वो तो पिघल जाएगी। ठीक है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का अक्रिय वातावरण में रखते हैं इस भट्टी के अंदर, ठीक है, तो कम गलनांक वाली धातु जो है वो पिघल करके क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है, इस ढलान से नीचे आ जाती है। ठीक है, और अगलनीय अशुद्धियां ऊपर ही रह जाती है यहाँ पे। इस तरह से धातु और अशुद्धियां अलग अलग हो गई। ये परावर्तनी भट्टी के अंदर होता है, जिसके अंदर वही भर्जन और निस्थापन करवाते हैं, ये परावर्तनी भट्टी। ठीक
बात समझ में। इस तरह से होता है। तो आसमान हो गया, द्रव्यकरण हो गया, नेक्स्ट लेते हैं दंड विलोडक। दंड विलोधक ज्यादातर क्या होता है, ये कॉपर के शोधन में काम आता है। इसमें क्या होता है, हरा जो पेड़ है उसके लट्ठे काट लेते हैं, मतलब साइड की जो शाखाएं हैं वो काट के लट्ठे बना लेते हैं, हरे रंग के लट्ठे। ठीक है, और इसमें कॉपर धातु में जो कॉपर ऑक्साइड की अशुद्धि है वो दूर हो जाती है। तो पिघली हुई धातु में क्या करते हैं, कोई पिघली हुई धातु किसी पात्र में लेकर के हरे लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं जिनको दंड बोलते हैं, दंड, उनसे उसे हिलाया जाता है। ठीक है, और जब उसको हिलाते हैं तो हरे लकड़ी के जो दंड है, लट्ठे, उनमें से जो गैसें निकलती हैं वो धातु ऑक्साइड को अपचयित कर देती हैं। सपोज कॉपर का धातु ऑक्साइड Cu2 था, वो Cu के अंदर अपचयित हो जाएगा। ठीक है, तो हरे लट्ठों में से कोई गैस निकलती है, ठीक है, जो इसे क्या कर देगी, अपचयित कर देगी। अगली बात समझ में। अशुद्धियां गैस के रूप में निकल जाती हैं, जैसे SO2, AS2O3, ठीक है, वो सब निकल जाती है, AS2O3, SO2, ये अशुद्धियां गैस के रूप में निकल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वैद्युत अपघटनी शोधन। वैद्युत अपघटनी शोधन जो है उसके अंदर क्या करते हैं, देखो किस तरह से, मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रोड ले लिए, ये अशुद्ध कॉपर का है सपोज, तो ये बना एनोड। ठीक और ये शुद्ध कॉपर का है तो ये क्या बना, कैथोड। ठीक है, ये बैटरी से कनेक्टेड है, यहां भर रखा है हमने कॉपर सल्फेट और थोड़ा सा H2SO4, थोड़ा सा अम्लीकृत कर देते हैं उसको H2SO4 डाल के। अब आप देखो इसके अंदर जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस होगा, यहां से Cu2+ निकला कॉपर सल्फेट से, दो इलेक्ट्रॉन उसको कौन देगा, ये देगा कैथोड। जैसे दो इलेक्ट्रॉन दिए वो क्या बना, Cu सॉलिड। ये Cu सॉलिड कहाँ जमा हो जाएगा, यहाँ, थोड़ी इस देर में यहाँ पे धातु इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, थोड़े ही समय में यहाँ धातु इस तरह से इकट्ठा होना लग जाएगी। तो कैथोड के ऊपर धातु जमा होने लगती है। मान लो इलेक्ट्रोड 1 किलो का था आपका, तो ये थोड़ी देर में हो सकता है 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो का भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर जमा होने लग गया। और फिर हम इस इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल लेते हैं कैथोड को, और नया कैथोड टंगा देते हैं वापस, क्योंकि हमें धातु तो मिल गई विलयन में से। ठीक है, और यहाँ कचरा जमा हो जाता है, इस एनोड के नीचे अशुद्धियां जमा हो जाती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं, एनोड पंख हिंदी में, इंग्लिश में एनोड मड कह देंगे। ठीक है, इसके अंदर सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, टेल्यूरियम, इनकी अशुद्धियां होती है। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, टेल्यूरियम, एंटीमनी, इनकी अशुद्धियां होती है। तो क्या किया हमने, इसमें एनोड जो है अशुद्ध धातु का है, उसी का ही प्योर शुद्ध का कैथोड बन गया। धातु कैथोड पे इकट्ठी हो जाती है, और एनोड के नीचे एनोड मड इकट्ठा हो जाता है, यानी कचरा इकट्ठा हो जाता है। ये विधि क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटनी शोधन कहलाती है। ये कॉपर और एल्यूमिनियम में प्रयुक्त की जाती है। एल्यूमिनियम में तो आपने कल पढ़ा भी था, हेल और हेरोल्ट विधि, जिसमें ग्रेफाइट की क्या था, एनोड था।
है। और लाइनिंग जो थी टैंक के अंदर वो क्या थी, कैथोड था। उसके बाद में नेक्स्ट है क्षेत्र परिशोधन। क्षेत्र परिशोधन में समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये कर रहे हैं हम 5 नंबर क्षेत्र परिशोधन। जैसे इस तरह से कोई धातु की छड़ है और ये इसके ऊपर एक सर्कुलर हीटर होता है, ठीक है, ये सर्कुलर हीटर होता है इसके ऊपर। वृत्ताकार हीटर। अब ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि धीरे धीरे ये हीटर क्या चलता है, तो इसको चलाते हुए इस धातु की रोड को गर्म करना है, ठीक है। और जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट की साइड जब जाओगे, इस वृत्ताकार हीटर को लेफ्ट की साइड में जब ले जाओगे तो इसको ऑन रखना है, और राइट की साइड ले जाओगे तो ऑफ रखना है। बस इतना ध्यान रखना। क्यों तो ऐसा क्यों करते हैं कि जब ये हीटर गर्म करता है धीरे धीरे, इंडक्शन बेस्ड कोयल है, प्रेरण कुंडली पर आधारित है ये हीटर, और ये चलता भी है, तो धातु की छड़ को जैसे जैसे हम गर्म करते हैं तो अशुद्धियां पिघल करके इस हीटर के साथ साथ चलने लगती है, क्योंकि तो धातु तो सॉलिड है, अशुद्धि पिघल चुकी है तो वो पिघल करके साथ साथ में बहने लगती है। तो इधर ऑन है लेफ्ट साइड में, तो इधर ऑन है तो इसको एक बार यहाँ से पूरा इधर ले आएंगे, लेफ्ट किनारे पे आ गया तो सारी अशुद्धि यहाँ इकट्ठी हो गई। अब इसको ऑफ करके उधर ले जाओ और फिर वापस ऑन कर दो, और फिर राइट से लेकर के ऐसे ऐसे धीरे 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 यहाँ पे ले आएंगे लेफ्ट की ओर, फिर वापस ऑफ कर दिया, फिर इधर ले आए, फिर ऑन कर दिया, फिर इधर। तो ये प्रक्रम आप क्या करेंगे, 3-4 बार रिपीट करेंगे। उससे क्या होगा, सारी अशुद्धि कहाँ चली गई, लेफ्ट में इकट्ठी होगी, तो लेफ्ट में आपको क्या मिलेगी, अशुद्धि मिल जाएगी। सारी अशुद्धि लेफ्ट में आ गई और राइट की साइड में क्या मिल गया आपको, धातु मिल जाएगी। मिली कि नहीं मिली, मिल गई। ये सिलिकन और जर्मेनियम के लिए प्रयुक्त होती है। कौन से, सिलिकन और जर्मेनियम। जो क्षेत्र परिशोधन विधि है किसके लिए प्रयुक्त होती है, सिलिकन और जर्मेनियम के। उसके बाद है नेक्स्ट वाष्प प्रावस्था परिष्करण। उसमें मोंड और वैन अर्कल देख लेते हैं। लास्ट दो विधियां दोनों देख लेते हैं। मोंड प्रक्रम में तो निकल धातु का शोधन होता है, मोंड के अंदर, मोंड बता रहा हूं, निकल धातु का शोधन होता है। देखो निकल है अशुद्ध है, इसकी सीओ से रिएक्शन करवाई हमने 330 से 350 केल्विन पर, तो NiCO4 बन गया। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ये नाम है इसका, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। अब इसको ज्यादा गर्म करेंगे आगे चलते, 450 से 470 केल्विन पर। देखो पहले से ज्यादा टेम्परेचर पर तो निकल बना, वो क्या बना, शुद्ध बना। ठीक है, तो ये जो प्रक्रम है निकल का शोधन, ये मोंड प्रक्रम है। बहुत आसान है, देखो याद रख लोगे तो। मोंड प्रक्रम निकल के लिए लगता है और वैन अर्कल जो है वो जर्कोनियम टाइटेनियम के लिए लगता है। जर्कोनियम अशुद्ध है, ठीक है। देखो यहां भी देखो अशुद्ध से शुद्ध हो गया, गौर करें आप, अशुद्ध से शुद्ध हो गया।
सीओ पहले भी अलग था, अब भी अलग है। ऐसे ये वैन, अब मैं बता रहा हूँ, वैन अर्कल विधि। वैन अर्कल विधि जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज होती है, क्योंकि तो इनसे विमान बनाए जाते हैं। काफी महंगी धातु हैं जर्कोनियम और टाइटेनियम, काफी मजबूत भी हैं। तो आप देखो 2I2 870 केल्विन पर ये जर्कोनियम I4 बनाता है। फिर इसको 1800 केल्विन पर गर्म किया, टंगस्टन तंतु पे, डब्लू पे, डब्लू बने टंगस्टन तंतु पे गर्म किया, तो जर्कोनियम अलग और आयोडीन अलग। ये विशेषता क्या है इसकी, ये शुद्ध है। पहले ये अशुद्ध था, आप देखो शुद्ध हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से। आप टाइटेनियम भी ले सकते हो, सेम जर्कोनियम की जगह टाइटेनियम लिख दो Ti, तो यहाँ भी क्या लिख दो कि Ti, और यहाँ भी क्या लिख दो कि Ti। जर्कोनियम की जगह टाइटेनियम भी लिया जा सकता है, बस टेम्परेचर में थोड़ा सा फर्क रहेगा। टाइटेनियम के केस में ये 500 केल्विन है और यहाँ पे 1700 केल्विन हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है, थोड़ा सा ही अंतर है। आप देखो ध्यान से, तो यही विधि है, ठीक है, वैन अर्कल विधि। आज इतना ही करेंगे, है ना। नोट्स देखते हैं अभी इसके। ये विधियां होती है, ये हमने चर्चा कर ली, ठीक है। इतनी विधियां हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये अशुद्धियां दूर करनी है हमें, धातुओं के अनअपचित ऑक्साइड दूर करने हैं, धातु मल दूर करना है, अनचाही धातुएं दूर करनी है, फॉस्फोरस सल्फर इन सब की अशुद्धियां दूर करनी है, ठीक है। ये विधियां आसवन, द्रवीकरण, दंड विलोटक, ये सब अभी मैंने समझाई आपको वन बाय वन। तो ये आप नेक्स्ट पेज पे चले, ये रिपीट कर देता हूँ। ये कम गलनांक वाली धातुओं को दूर करने के लिए है, जैसे जिंक, पारा, इनके अशुद्धियों को। द्रवीकरण भी कम गलनांक वाले के लिए होता है, जैसे टिन, लेड, बिस्मथ। परावर्तनी भट्टी में ढलान पर रख के गर्म करते हैं, धातु पिघल के नीचे अलग हो जाता है, अशुद्धि ऊपर ही रह जाती है। उसके बाद दंड विलोधक, ये दंड विलोटक है, इसमें क्या करते हैं कि पेड़ के लट्ठे काट लेते हैं, लकड़ियां, हरा पेड़ होना चाहिए, ठीक है। पेड़ को खुद को नहीं काटना है, उसकी ब्रांचेस काट करके लट्ठे तैयार कर लिए हमने, और हरी लकड़ी के दंडों को धातु ऑक्साइड के पिघले हुए विलयन में हिलाते हैं, तो धातु ऑक्साइड का अपचयन हो जाता है और वो धातु प्राप्त होती है और अशुद्धियां उड़ जाती है। जनरली कॉपर ऑक्साइड की अशुद्धि को दूर करने के लिए होता है ये। वैद्युत शोधन मैंने बता ही दिया, ये कैथोड और एनोड। ये देखो, ये कॉपर का हमने अशुद्ध का तो क्या लिया था, एनोड, और शुद्ध का क्या था, कैथोड। इस तरह से अशुद्धियां एनोड पंख के रूप में नीचे जमा हो जाती है, प्योर धातु कैथोड पे जमा होता है और अशुद्धियां एनोड के नीचे, एनोड पंख के रूप में। नेक्स्ट, जोन रिफाइनिंग के अंदर अभी बताया था सिलिकॉन और जर्मनियम, ये सर्कुलर हीटर है, ये लेफ्ट रहा, ये राइट रहा, लेफ्ट की ओर इसको ऑन करके ले जाना है धीरे 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 धीरे, तो अशुद्धियां भी पिघल करके इसके साथ साथ चलेंगी, लेफ्ट में इकट्ठी हो जाएंगी। ये लेफ्ट में इकट्ठी होगी अशुद्धि, फिर ऑफ करके इधर ले जाओ, फिर वापस लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर चलो, है ना। ये प्रक्रम 3-4 बार रिपीट करें कम से कम, तो शुद्ध धातु आपको राइट में मिल जाएगी और अशुद्धि लेफ्ट में जमा हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको बस इसमें। उसके बाद वेपर फेज में मोंड प्रक्रम अभी भी देखा, ये निकल धातु का शोधन होता है इस तरह से, ठीक है। सीओ से क्रिया करवाते हैं, टेट्रा कार्बोनिल निकल बनता है, फिर वापस ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। देखो ज्यादा टेम्परेचर पर तो शुद्ध निकल अलग होगी, कार्बो मोनोऑक्साइड अलग होगी। वैन अर्कल में कौन सी धातुएं थी,
जर्कोनियम और टाइटेनियम। ये देखो वैन अर्कल, जर्कोनियम और टाइटेनियम, ये अशुद्धियां दूर कर सकते हैं आप काफी। इन्हें स्पेस टेक्नोलॉजी मेटल बोलते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी। सवाल भी आता है स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष अनुसंधान की धातुएं क्यों बोलते हैं जर्कोनियम टाइटेनियम, क्योंकि अंतरिक्ष विमान हुआ, रॉकेट है, हवाई जहाज है, उनके अंदर जर्कोनियम और टाइटेनियम से बॉडी बनाई जाती है इनकी, इनको प्रयुक्त किया जाता है। ये काफी कठोर होती है, ठीक है, इसलिए इनको स्पेस टेक्नोलॉजी मेटल भी बोलते हैं। तो काफी एक्सपेंसिव है, महंगी है और काफी यूजफुल है। तो इनको आयोडीन के साथ गर्म करके करते हैं वैन अर्कल के अंदर, उसमें तो काय में कर रहे थे मोंड में, तो निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, इसमें हम इसको आयोडीन के साथ कर रहे हैं। ये देखो आप, इस तरह से ठीक है, टेम्परेचर का थोड़ा सा फर्क है जर्कोनियम और टाइटेनियम के अंदर, बाकी लगभग सेम ही मानो आप, थोड़ा सा टेम्परेचर का फर्क है, विधि सेम है। पहला देखो ये अशुद्ध था, अब देखो शुद्ध हो गया, पहले ये भी अशुद्ध था, अब देखो शुद्ध हो गया। बस इतना सा ध्यान रखना आपको, ठीक है, आज इतना ही करेंगे, कोई डाउट सेशन ओपन कर रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। You can raise your hand or you can chat. There are two methods of asking questions. आप या तो हाथ ऊपर उठाएं या चैट करके सवाल पूछें। इसके बाद कल जो है हम ये करेंगे क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी काफी समझनी पड़ेगी, तो अलग से इसको ढंग से समझाऊंगा मैं, ठीक है। कई प्रकार की होती है क्रोमेटोग्राफी, कल बात करेंगे, अभी कोई डाउट है तो पूछें। को मिले।